कौन सी सनस्क्रीन है वो हमारी स्किन के लिए अच्छी होगी, कहीं ये व्हाइट कास्ट तो नहीं छोड़ती, हम तो घर पे हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की कहाँ जरूरत है, हम इतनी सी सनस्क्रीन लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, हमें सनस्क्रीन कब अप्लाई करना चाहिए। हाय गाइस, माय नेम इज जय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी विद जय। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सैनफी फेसलेस सनस्क्रीन का रिव्यू, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सनस्क्रीन अप्लाई करना क्यों जरूरी है। क्योंकि सन से हमारे पास दो तरह की रेज आती है, एक होती है UVA और एक होती है UVB। दोनों ही जो रेज होती है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, और उन रेज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी सनस्क्रीन है वो हमारी स्किन के लिए अच्छी होगी। तो जब हम कोई भी सनस्क्रीन खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग पे हमें पीएफ फैक्टर दिया हुआ होता है, जो कि होता है प्लस से लेके प्लस 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 प्लस, और ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो हमारी स्किन को उतना ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। जैसे कि ये है सैनफी फेसलेस सनस्क्रीन, इसके अंदर है SPF 50 PA प्लस 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 प्लस, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि हमें सनस्क्रीन कब अप्लाई करना चाहिए। तो जब हम अपना पूरा स्किन केयर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, और जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हों तो उससे 15 या 20 मिनट पहले ही अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन को हमारे स्किन के अंदर सिंक होने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप घर पे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम तो घर पे हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की कहाँ ज़रूरत है, लेकिन अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने एक बार सनस्क्रीन लगा ली बस हमारा काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमें हर 2 घंटे के बाद में सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमें कितनी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। तो हम इतनी सी सनस्क्रीन लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसको मेजर करने के लिए हमें अपनी जो 3 फिंगर्स होती हैं उनके अंदर सनस्क्रीन लेनी है, और उनको अपने फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक इंच इम्पॉर्टेंट है। अपने फेस को और नेक को अच्छे से कवर हो जाए इतनी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। अगर किसी का स्किन टोन डार्क है और वो ये सोचता है कि मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करने की कहाँ ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी डार्क हूँ, लेकिन जो सन डैमेज होता है वो स्किन टोन नहीं देखता है, इसीलिए हर किसी को सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सनस्क्रीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है उसके अंदर होता है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि सन से आने वाली यूवी रेज को हमारे स्किन से रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरी होती है केमिकल सनस्क्रीन, वो यूवी रेज को हमारे स्किन में अब्सॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन होता है जो कि यूवी लाइट्स को हीट में कन्वर्ट कर देती है, और वो हमारे स्किन को फिर हार्म नहीं करती। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको सैनफी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पीएफ फैक्टर है वो प्लस 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 है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है SPF 50, और हमारे स्किन को अगर अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके अंदर 30 से SPF 50 तो होना ही चाहिए। सैनफी सनस्क्रीन सिर्फ यूवी रेज से ही हमारी स्किन को नहीं बचाता, ये हमारी स्किन को अच्छे से नरिश और हाइड्रेट भी रखता है। अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है, और अगर किसी की स्किन ड्राई है, ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है, उन सब के लिए ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। हम कोई भी सनस्क्रीन खरीदते हैं तो मेन यही होता है कि कहीं ये व्हाइट कास्ट तो नहीं छोड़ती, तो सैनफी सनस्क्रीन बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, और इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है, और ये इतनी लाइट वेट है जैसे कि हम कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगा रहे हो। ये सनस्क्रीन एकदम मैट लुक देती है, और अभी मॉनसून चल रहा है तो गर्मी और मॉनसून के लिए ये सनस्क्रीन एकदम सही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो सारे सेफ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।